नमस्कार, हीरो इलेक्ट्रिक स्वागत करता है हमारे सभी पर्सनल गैराज ओनर्स का इस प्रोफेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम में। मैं सनी शर्मा एक सूत्रधार की तरह आपको इस प्रोग्राम में होने वाले फायदों से अवगत कराऊंगा, लेकिन सबसे पहले कुछ बहुत जरूरी बातें। क्या आप जानते हैं कि वायु प्रदूषण का सबसे बड़ा कारण है वाहनों से निकलने वाला धुआं? क्या आप जानते हैं कि इस देश में चलने वाले वाहनों में से 80% वाहन टू व्हीलर्स हैं? और कहीं ना कहीं अगर हमें वायु प्रदूषण का दबाव कम करना है, अपने पर्यावरण को बेहतर करना है, तो इस समस्या का समाधान है इलेक्ट्रिक मोबिलिटी में या इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स में। क्या आप जानते हैं भारत सरकार भी इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को लेकर बहुत ज्यादा प्रयासरत है और प्रोत्साहन कर रही है। क्या आप जानते हैं हर साल 1.5 लाख से भी ज्यादा नए इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स मार्केट में आएंगे। इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स में मार्केट लीडर कहे जाने वाले हीरो इलेक्ट्रिक के पास 4 लाख खुश कस्टमर्स हैं। क्या आप जानते हैं कि सबसे बड़ा सर्विस नेटवर्क हीरो इलेक्ट्रिक के पास है इलेक्ट्रिक टू व्हीलर इंडस्ट्री में? क्या आप जानते हैं इलेक्ट्रिक टू व्हीलर को कैसे रिपेयर और मेंटेन किया जाता है? क्या आप जानते हैं कौन कौन से टूल्स जरूरी होते हैं इलेक्ट्रिक टू व्हीलर को ठीक करने के लिए? क्या आप जानना चाहेंगे कि कैसे इलेक्ट्रिक टू व्हीलर अलग होता है हमारी पेट्रोल गाड़ी से? गाड़ी को रिपेयर और मेंटेन करने के लिए या इलेक्ट्रिक टू व्हीलर को मेंटेन और रिपेयर करने के लिए जिन संसाधनों की जरूरत है या जिस जानकारी की जरूरत है, वो मिलेगी आपको हमारे द्वारा ऑर्गेनाइज किए गए इस प्रोफेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम में, जो कि हमने बनाया है अपने पर्सनल गैराज ओनर्स के लिए। उसका सबसे पहला फायदा है कि आपको जानकारी मिलेगी ई बाइक्स के बारे में, इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स के बारे में, जो कि बनाए गए हैं हीरो इलेक्ट्रिक द्वारा। दूसरा, प्रमाणिकता प्राप्त करें। इस ट्रेनिंग प्रोग्राम को कंप्लीट करने के बाद या ट्रेनिंग का हर चरण कंप्लीट करने के बाद आपको दिया जाएगा एक सर्टिफिकेट। तीसरा, आप इस प्रोफेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम को करने के बाद योग्य बन जाएंगे एडवांस कोर्सेज के लिए। चौथा, आपको मौका मिलेगा हीरो इलेक्ट्रिक के इंडस्ट्री एक्सपर्ट से अपने काम को बेहतर करने के सही तकनीक और सही तरीका। इस ट्रेनिंग के सभी चरणों को कंप्लीट करने के बाद आपको मौका मिल सकता है ऑथराइज्ड सर्विस सेंटर मालिक बनने का। कोर्स से जुड़ी किसी भी जानकारी के लिए संपर्क करें नीचे दिए गए नंबर पर या हीरो इलेक्ट्रिक की वेबसाइट पर। आइए आप सबका परिचय कराता हूं इलेक्ट्रिक टू व्हीलर में मार्केट लीडर से। ये कंपनी जानी जाती है अपने सबसे वाइड रेंज प्रोडक्ट्स के लिए। देश में सबसे बड़ा सेल्स और सर्विस का नेटवर्क। मंत्र है क्वालिटी एंड रिलायबिलिटी। सन 2007 से नंबर वन ये कंपनी जिम्मेदारी उठाती है इलेक्ट्रिक टू व्हीलर में अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज के माध्यम से अपने ग्राहकों को एक शानदार अनुभव प्रदान करने का। और एक बार फिर, जी हां, हीरो का भरोसा। आइए अब मैं आपका इंट्रोडक्शन कराता हूं हीरो इलेक्ट्रिक की एक शानदार प्रोडक्ट रेंज से। इसके लिए हम टेक्निकल टीम से हमारे साथ जुड़ेंगे शाज़ेब। थैंक यू सनी मुझे यहां बुलाने के लिए। मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि हीरो इलेक्ट्रिक दो तरह के व्हीकल्स बनाता है, कम्फर्ट स्पीड और सिटी स्पीड। कम्फर्ट स्पीड बाइक, इनकी टॉप स्पीड 25 किलोमीटर प्रति घंटे की होती है। इनमें 250 वॉट की मोटर लगती है। सिटी स्पीड बाइक, इनकी स्पीड 42 किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा की होती है। इनमें 500 से 1200 वॉट की मोटर लगती है। आइए बात करते हैं एक इलेक्ट्रिक टू व्हीलर क्या होता है, इसके मेजर कंपोनेंट्स या पार्ट्स कौन से होते हैं, और कैसे एक इलेक्ट्रिक टू व्हीलर एक पेट्रोल गाड़ी से अलग होता है। जिस तरह से पेट्रोल व्हीकल इंजन और पेट्रोल की मदद से चलते हैं, उसी तरह इलेक्ट्रिक व्हीकल रिचार्जेबल बैटरी और मोटर की मदद से चलते हैं। इन व्हीकल्स को आप अपने घर पे भी चार्ज कर सकते हो, काम करने की जगह पे चार्ज कर सकते हो, या रोड साइड बने हुए चार्जिंग पॉइंट पे चार्ज कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के मेजर कॉम्पोनेंट्स के बारे में। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल के मेजर कॉम्पोनेंट्स होते हैं बैटरी, मोटर, कंट्रोलर, चार्जर, थ्रॉटल, डीसी टू डीसी कन्वर्टर।
जैसा आप लोग जानते हैं कि एक पेट्रोल बाइक के अंदर 2200 से 3000 पार्ट होते हैं, वहीं एक इलेक्ट्रिक बाइक के अंदर 18 से सिर्फ 22 पार्ट होते हैं। ज़्यादा पार्ट होने की वजह से पेट्रोल व्हीकल की सर्विस करने में थोड़ी मुश्किल आती है, कम पार्ट होने की वजह से आप इलेक्ट्रिक बाइक को आसानी से सर्विस कर सकते हैं। जैसा हमने देखा कि इलेक्ट्रिक टू व्हीलर एक पेट्रोल गाड़ी से अलग होता है, तो आइए अब जानते हैं कि कैसे एक इलेक्ट्रिक टू व्हीलर काम करता है। और इसको दिखाने के लिए हमारे साथ जुड़ेंगे टेक्निकल टीम से ताकि आइए अब हम समझते हैं कि इलेक्ट्रिक टू व्हीलर में जो कंपोनेंट लगे हैं उनका किस कंपोनेंट का क्या फंक्शन होता है, वो कैसे काम करता है और पूरी गाड़ी कैसे चलती है। इसको एक एग्जांपल के थ्रू, एक उदाहरण के थ्रू हम समझ सकते हैं। जैसे हम सब लोग के घरों में पंखा होता है जो कि बिजली से चलता है, और उस पंखे की स्पीड को हम कंट्रोल करते हैं रेगुलेटर के द्वारा। उसी तरह से इस गाड़ी में भी बैटरी से मोटर को चलाते हैं और उसकी स्पीड को और दूसरे सारे फंक्शंस को एक बैटरी और मोटर के बीच में एक डिवाइस जिसका नाम कंट्रोलर है लगा करके हम कंट्रोल करते हैं। मतलब ये है कि इस कंट्रोलर से पूरी गाड़ी की को कंट्रोल करते हैं और कितनी स्पीड चलनी चाहिए उसको हम इस एक्सीलेटर या थ्रोटल से अलाउ करते हैं। आइए अब हम इस गाड़ी को खोल करके प्रैक्टिकली देखते हैं सारे कंपोनेंट्स को और समझते हैं कि कौन से कंपोनेंट्स कहाँ हैं और इस कंपोनेंट का क्या फंक्शन है। इसको अच्छे से समझने के लिए इसको खोल करके हम देखते हैं। ये देखिए, ये इसकी बैटरी है, ये इसका कंट्रोलर है और ये MCB है। सबसे पहले इस बैटरी से MCB के थ्रू इस कंट्रोलर को सप्लाई जाता है और इस कंट्रोलर से मोटर जो कि पीछे वाले व्हील में लगी है वहाँ जाती है, और ये कितनी सप्लाई जाती है जितना हम इस एक्सेलेरेटर और थ्रोटल से रिस्पॉन्स कंट्रोलर को देते हैं। इलेक्ट्रिक टू व्हीलर डिफरेंट बैटरी वोल्टेजेस से चलती है, लाइक 72 वोल्ट, 60 वोल्ट और 48 वोल्ट। लेकिन इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स में लाइट, इंडिकेटर्स, हॉर्न ये सब 12 वोल्ट से चलते हैं, इसलिए 48 वोल्ट या 72 वोल्ट को 12 वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए एक अलग से डिवाइस लगाया जाता है जिसको DC to DC कन्वर्टर कहते हैं। वो ये देखिए MCB के बगल में ये लगी है जिससे लाइट, हॉर्न, इंडिकेटर चलते हैं। जैसा कि आपने और मैंने समझा कि एक इलेक्ट्रिक टू व्हीलर एक पेट्रोल गाड़ी से अलग है, तो एक पर्सनल गैराज ओनर होने के नाते आप किन किन सावधानियों का ध्यान रखेंगे ताकि किसी भी तरह के नुकसान से रिपेयर करते समय इलेक्ट्रिक टू व्हीलर को बचाया जा सके और ग्राहक का नुकसान ना हो। इलेक्ट्रिक टू व्हीलर पेट्रोल वाली टू व्हीलर से काफ़ी अलग होती है, इसलिए इलेक्ट्रिक टू व्हीलर की सर्विसिंग करते समय कुछ हमें प्रिकॉशंस और सावधानियां लेनी होती है। आइए अब हम इन सावधानियों को विस्तार पूर्वक सीखते हैं। सीट खोल करके MCB डाउन करनी है, बैटरी के सॉकेट को रिमूव कर दीजिए। सर्विसिंग करते समय हमेशा उचित उपकरणों का प्रयोग करें। सर्विसिंग के समय धातु के गहने पहनने से बचें। दीवार के साथ या अन्य चीज़ों पर वाहन को न टिकाएं। निर्देश अनुसार चार्जर की प्लग को सॉकेट से आराम से लगाएं और निकालें। बाइक को हमेशा हल्के पानी से धोएं। गाड़ी को धोने से पहले बैटरी ज़रूर निकाल लें और इलेक्ट्रिक उपकरणों को भीगने न दें। गाड़ी की सर्विसिंग करने के बाद MCB चालू करने से पहले कृपया सभी बिजली कनेक्शन को दोबारा जांच कर लें। और आखिरी पॉइंट, वाहन की सर्विसिंग के बाद टेस्ट ड्राइव ज़रूर लें। आइए अब देखते हैं इलेक्ट्रिक टू व्हीलर में आने वाले बेसिक फॉल्ट्स को कैसे समझा और आइडेंटिफाई किया जाता है। एक गैराज ओनर के लिए
इलेक्ट्रिक व्हीकल के बेसिक फॉल्ट फाइंडिंग का जानना निहायत ही ज़रूरी है। आइए अब हम इसको प्रैक्टिकली करके देखते हैं। सबसे पहले चाबी से गाड़ी को ऑन करें और डिस्प्ले को देखें कि डिस्प्ले आ रहा है या नहीं। अगर लाइट नहीं जल रही है तो आपको सबसे पहले गाड़ी के सीट को खोलकर MCB को देखना है कि MCB ऑन है या ऑफ है। अगर MCB ऑफ है तो ऑन कर देंगे, अगर MCB ख़राब है, अगर ज़रूरत है रिप्लेस करने की तो इसको रिप्लेस कर देंगे। अगर ऑन है उसके बाद हम देखेंगे कि बैटरी की कनेक्शन तो लूज़ नहीं है। ये देखिए जैसे बैटरी की कनेक्शन लूज़ है, इसे हम इंसर्ट करके सही से बैटरी के अंदर इंसर्ट कर देंगे। इंसर्ट करने के बाद फिर डिस्प्ले देखेंगे कि डिस्प्ले पर लाइट आई कि नहीं। यहाँ पे तो लाइट आ गई, लेकिन अगर किसी में लाइट नहीं आती है उसके बाद हमें की लॉक को चेक करना है कि की लॉक ओके है या नहीं है। अगर फॉल्टी है तो उसे चेंज कर देंगे, अगर ओके है तो उसके बाद हमें कंट्रोलर की इनपुट सप्लाई को चेक करना है कि कंट्रोलर पे सप्लाई इनपुट आ रही है या नहीं आ रही है। सप्लाई को आप मल्टीमीटर की मदद से चेक करें, बैटरी की जितनी वोल्टेज होगी वो यहाँ शो करेगी। अगर आ रही है तो कंट्रोलर को चेक करेंगे, कंट्रोलर ओके है या ख़राब है। अगर ख़राब है तो इसे चेंज कर देंगे, और अगर ओके है देन हम मोटर चेक करेंगे कि मोटर ओके है या ख़राब है। अगर ख़राब है तो उसको ठीक करेंगे, अगर ओके है उसके बाद हम थ्रोटल को चेक करेंगे कि थ्रोटल ओके है या नहीं। जैसा कि हमने देखा कि इलेक्ट्रिक टू व्हीलर एक अलग गाड़ी है, तो आइए अब समझते हैं कि किसी भी रिपेयर, मेंटेनेंस या पंचर लगाने के लिए गाड़ी के व्हील को कैसे खोला जाए। इलेक्ट्रिक टू व्हीलर के पिछले वाले पहिए के अंदर ही मोटर होता है, इसलिए ये पेट्रोल वाली गाड़ी के पहिए से थोड़ा अलग होता है। आइए अब हम समझते हैं कि इसे आसानी के साथ कैसे खोल सकते हैं ताकि पंक्चर लगा सकें या अदर कोई भी काम करें। इलेक्ट्रिक टू व्हीलर के पीछे वाले पहिए जिसमें मोटर होता है उसको खोलने के लिए और बाहर करने के लिए सबसे पहले आपको MCB को ऑफ करने हैं। MCB ऑफ करने के बाद बैटरी के सॉकेट को बाहर निकाल दिया, ये अनप्लग कर दिया। अनप्लग करने के बाद इन दोनों को ओपन कर लिया, इस बैटरी को बाहर निकाल देने हैं। ये बैटरी बाहर निकल गई। बाहर निकलने के बाद इनको 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 और इनको खोलना है। ये देखिए सारे एलन बोल्ट खुल गए, उसके बाद इस तरह से इसे बाहर कर लेना है। सारे पेच खोलने के बाद इस सीट को हम इस तरह से बाहर कर देंगे। बाहर करने के बाद आपने देखना है कि ये जो मोटर वाली वायर है इसकी कौन सी कपलर से, ये देखिए ये इसके कपलर से, तो इसमें लॉक लगा है, इस लॉक को अंदर की तरफ पुश करके इसे हम इस तरह से बाहर निकाल देंगे। उसी तरह से ये मोटर फेज़ वायर की ये तीन वायरें हैं, इनको भी हम ये जो कनेक्टर है इसकी इस लॉक को ऊपर की तरफ पुश करेंगे और वायर को बाहर निकाल लेंगे। उसी तरह से इसे हम ऊपर की तरफ पुश करेंगे और इस वायर को बाहर निकाल लेंगे। उसी तरह से तीसरे वायर को भी ग्रीन कलर के हम कनेक्टर को लॉक को ऊपर पुश करेंगे और इसे निकाल लेंगे। निकालने के बाद इस तरह से ये निकल गया। निकालने के बाद नीचे की तरफ इसे निकाल लेंगे। मोटर के तारों निकालने के बाद इन दोनों स्क्रू को पहले खोलना है, उसके बाद ये वाले नट खोलने, उसके बाद इनको इसको लूज़ कर दिया। उसके बाद हमें क्या करने है, इस नट को खोलने, इसको कम्प्लीटली बाहर नहीं निकाल करके अब आप एक स्क्रू ड्राइवर की हेल्प से इसे अंदर की तरफ पुश करके जो ब्रेक वायर की
ब्रेक वायर है, बाहर कर लें इस तरह से, ये देखिए निकल गया। उसके बाद इसे हमें बाहर कर लेने, सेम प्रोसेस हमें दूसरे साइड भी फॉलो करना है। दोनों इस साइड, अब दूसरे साइड का ये दोनों स्क्रू खोलने हैं और ये देखिए वो तार जो हमने पहले निकाला था। ये स्विंग आर्म कवर को खोलने के बाद आपको क्या करने हैं, 10 नंबर की टी से ओपन करने के बाद ये देखिए अंदर वाले पूरे कम्प्लीटली लूज़ हो गया। लूज़ करने के बाद दोनों तरफ से पकड़ के इसे इस तरह से बाहर निकाल लें। ये देखिए मोटर कम्प्लीटली बाहर निकल गया। अब पंक्चर लगाने के बाद या फिर दूसरे जो भी काम करने हैं, करने के बाद आपने जैसे निकाला था वैसे ही फिट कर देना है। और फिट करते समय एक चीज़ ध्यान रखना है, ये जो जिधर से तार निकल रहा है उसको नीचे की तरफ रखना है हमेशा, जैसे ही ये नीचे है और जिस तरह से निकाला था वैसे ही मोटर को फिर दोबारा फिट कर देना है। हम दोबारा फिट कर रहे हैं, ये देखिए पहले क्या किया, इस तार को नीचे करके जिस तरह से निकाला था उस तरह से इसके अंदर इंसर्ट कर दिया। देखिए इंसर्ट हो गया। इंसर्ट होने के बाद पहला काम जो करना है, आपने ये जो ब्रेक जॉ होल्डर प्लेट है इसको इसके अंदर नट बोल्ट को जहाँ से खोला था उसमें इसमें थोड़ा लूज करके लगा देना है। दूसरा काम ये छोटे वाले को इसमें लगा देंगे। लूज लगाने के बाद आपको मोटर को बाहर की तरफ खींचना है। जब कम्प्लीटली खींच जाए तो आपने ये दोनों बड़े नट को टाइट करना है। ये टाइट हो गया, उसके बाद फिर इसे टाइट कर देने हैं। उसी तरह से दूसरे साइड का भी। टाइट करने के बाद एक बार व्हील को रोटेट करके देख लेंगे फिर भी स्मूथली घूम रहा है या नहीं। उसके बाद ब्रेक वायर को जिस तरह से निकाला था वैसे ही इसमें हम फिट कर देंगे। पहले इसको नीचे की तरफ पुश करेंगे, अकॉर्डिंग टू ब्रेक इसको एडजस्ट कर लेंगे। एडजस्ट करने के बाद ये देखिए अब फ्री हो गया। उसके बाद जिस तरह से ये दोनों कवर खोले थे स्विंग आर्म कवर वैसे ही इसे टाइट कर देंगे। इस तरह से हम इलेक्ट्रिक टू व्हीलर के पीछे के पहिए को निकाल करके लगा सकते हैं। जहाँ से जिस तरह से इस तार को जिस लोकेशन से निकाला था उसी लोकेशन में इसे लगा देंगे। ये जो तार हमने नीचे से ऊपर की तरफ लाया था प्लग करने के लिए, लगाने के लिए, अब हम उस तार को ये देखिए लगा रहे हैं। इसमें एक चीज़ का ध्यान रखना होता है कि कलर से कलर को, ये जो कलर से कलर को मैच करना ज़रूरी होता है। ये देखिए ये ग्रीन कलर है तो ये ग्रीन कलर है, हम ग्रीन कलर वाले में ही इसको लगाएंगे। इसको लगाने के लिए क्या करते हैं, इस पूरे को पहले कम्प्लीटली अंदर की तरफ पुश करते हैं। पुश करने के बाद इस लॉक को दबा देते हैं जिस तरह से ओपन किया था। जिस तरह से इस सीट को आपने खोला था सेम उसी तरह से इस सीट को बंद कर देंगे।